बाइक सवार बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने गोली चला दी और पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। वहीं इस मुठभेड़ में पुलिस का सिपाही रोहित भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि बदमाश के खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसे मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज डिडोली थाना क्षेत्र में थाने की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम की एक 25,000 के इनामी बदमाश साजिद, जो कि जिले का टॉप 10 अपराधियों में है और हिस्ट्री शीटर है, इस पर गोकसी चोरी के 20 मुकदमे टोटल पंजीकृत हैं। इसके साथ मुठभेड़ हुई है। इसके द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिस पर बचाव में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। इसके पास से एक बाइक और तमंचा और कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। ये मामला अमरोहा के डिडोली थाना क्षेत्र के जंगलों का बताया जा रहा है। बदमाश के खिलाफ गोकशी चोरी समेत 20 मामले दर्ज हैं। बदमाशों के पास से एक तमंचा, दो कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल घायल सिपाही और बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। न्यूज डेस्क अमरोहा टीवी।